हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ रही हैं। किसी भी दल के साथ वह कोई भी गठबंधन नहीं कर रही हैं, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार नहीं बल्कि कई बार बता दिया है। फिर भी भारतीय और बिकाऊ मीडिया बहन जी को दिन प्रतिदिन यह कहती है कि बहन जी इस दल के साथ गठबंधन कर रही हैं तो कभी उस दल के साथ गठबंधन करने वाली हैं, जो कि सरासर गलत होता है, फेक खबर होती है, अफवाह होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहन जी से संबंधित और बहुजन समाज पार्टी से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ जिसके बारे में पूरे यूट्यूब पर वीडियो खोजने पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो सम्मानित साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहन जी के आखिरी दाव को। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने के लिए विरोधी और भारतीय बिकाऊ मीडिया आए दिन ऐसे ऐसे अफवाह फैलाते हैं जैसे कि बहन जी के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। उनका कहना है कि बहन जी ने अपनी सरकार में सारा पैसा उठा करके पत्थर की मूर्तियां बनवा दी और इसी तरह की फालतू अफवाह फैलाने के वजह से बहन जी को भारी नुकसान भी हुआ और वह सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन बहन जी से ज्यादा अगर किसी ने पैसे खर्च किए हैं, पत्थर की मूर्ति लगवाया है, तो बीजेपी ने लगवाया है। उस पर विरोधी और बिकाऊ मीडिया दोनों चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जहां तक बहन जी का पत्थर की मूर्तियों लगाने का सवाल है तो उन्होंने समस्त बहुजन महापुरुषों की मूर्तियों को लगवाया है जिससे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। बहन जी ने बहुजन इतिहास को दोबारा से जिंदा किया है और उन्होंने जो पार्क और मूर्तियां लगवाई हैं उस जगह पर तमाम लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है जिसके वजह से प्रदेश सरकार की आय भी बढ़ती है और वहां पे रोजगार कर रहे लोगों के परिवारों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन असली सच्चाई को विरोधी और गोदी मीडिया छिपा लेती है। बहन जी ने अपने शासन काल में न जाने कितने लाख लोगों को नौकरी दी। इसी तरह के उन्होंने तमाम ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनके शासन प्रशासन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उनके शासनकाल में किसी माफिया की हिम्मत नहीं होती थी जो देश के बहुजनों के ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन आज के समय में विरोधी तो बहन जी के ऊपर उंगली उठा ही रहे थे, अपने लोग भी बहन जी के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, उनके ऊपर आज के समय में परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता यानी कि बहन जी ने तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई। लेकिन जो लोग भी बहन जी के ऊपर यह एलिगेशन लगाते हैं उनको यह विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम लोगों को तमाम पद दिया और उन लोगों ने उस पद का सम्मान नहीं किया और अपने पद का दुरुपयोग किया जिसके वजह से बहन कुमारी मायावती जी ने उन नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला। क्योंकि बसपा अनुशासन के लिए जानी जाती है, बसपा किसी भी शर्त पर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वह बड़ा नेता हो या कोई छोटा कार्यकर्ता हो। रहा सवाल परिवारवाद का, तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि बहन जी ने तमाम लोगों को तमाम जिम्मेदारियां दी और जिनको जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी उसने उतना बड़ा बहन जी को धोखा दिया। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि आरएस प्रवीण कुमार जो कि तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बहन जी ने आज तक किसी भी राज्य के किसी भी नेता को भावी मुख्यमंत्री नहीं कहा था और उन्होंने ये नहीं कहा था कि चुनाव जीत जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आरएस प्रवीण को बहन जी ने बहुत पहले ही यानी कि चुनाव के समय ही उन्होंने कह दिया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतती है, तो आरएस प्रवीण तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जिस नेता के ऊपर बहन जी ने इतना भरोसा किया उस नेता ने सिर्फ सांसद बनने के लिए बसपा के नीतियों के खिलाफ जा करके जो पार्टी संविधान का विरोध करती थी, संविधान बदलने की बात करती थी, उस पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे थे। जैसे ही यह बात बहन जी को पता चली
उससे पहले ही आरएस प्रवीण ने बहुजन समाज पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता यानी कि बहन जी ने सबसे ज्यादा भरोसा इस समय आरएस प्रवीण पर किया था और उन्होंने भी पार्टी को धोखा दे दिया, या दूसरे भाषा में कहें तो पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब आप ही लोग बताइए कि किस हिसाब से बहन जी पार्टी का उत्तराधिकारी इस तरह के किसी व्यक्ति को बना दें जिसका आगे भरोसा ही न हो कि आगे चल करके वह किस दल के साथ गठबंधन कर ले या किस दल के पैरों में गिर जाए या समस्त बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को ले जा करके कहां पर सौदा कर दे जिसका पता ही नहीं है, उसे पार्टी का उत्तराधिकारी कैसे बनाया जा सकता है। कम से कम उन्होंने अपने परिवार के सदस्य यानी कि अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया है। उससे एक बात तो क्लियर है कि आकाश आनंद पार्टी छोड़ करके यानी कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके किसी और दल के चरणों में जाकर नहीं गिरेंगे, या दूसरे भाषा में कहें तो बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी को धोखा नहीं देंगे। बहन जी ने जब लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय किया तो कई नेता ऐसे थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया और वह अन्य पार्टियों में जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी में जा करके अपने टिकट की मांग करने लगे। हो सकता है वहां पर वह प्रत्याशी भी बन जाए, लेकिन अगर बहन जी आज किसी दल के साथ गठबंधन कर लेती हैं या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं और वह चुनाव लड़ती हैं तो फिर क्या होगा आरएस प्रवीण का, क्या होगा इस तरह के तमाम नेता का जो हाल फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ करके किसी और दल के साथ चले गए। वह सभी नेता धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांतिराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री है कि तमाम नेता पैदा करने का काम करती है और बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए कल पुर्जे कहीं भी फिट नहीं बैठ सकते हैं, जिसका उदाहरण आप लोग देख सकते होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जो कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और आज के समय में उनकी स्थिति ये है कि न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए तमाम विरोधियों ने भ्रामक प्रचार किया और उसी गलत प्रचार की वजह से बहुजन समाज पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को जो जानने वाले हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं, आने वाले समय में बहुजन समाज के लोगों के लिए बहन जी कुछ ऐसा निर्णय जरूर करेंगी जिसकी वजह से बहुजन समाज के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान भी बचेगा और उनको अधिकार भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को अपना आखिरी दाव चल करके इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस कर लेना चाहिए जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी सहित जो भी बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं उनको करारा जवाब दिया जा सके? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।